नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED रिजल्ट 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 15 जनवरी 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हां दोस्त, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि DLED स्कूटनिक रिजल्ट कब तक आ सकता है। मात्र 2 सेकेंड में डाउनलोड करें रिजल्ट। अगर दोस्तों अभी तक आपने अपना प्रमोट का रिजल्ट या 2019 बैच के चारों सेमेस्टर का रिजल्ट डाउनलोड नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिंक दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जब आप सुपर टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको भैया DLED का रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी। तो चारों सेमेस्टर का रिजल्ट डाउनलोड करके PDF में रख लीजिए। इस समय की कुछ और बड़ी अपडेट पहले हम आपके सामने रखेंगे। क्या दोस्तों यूपी टेट का पेपर हो पाएगा या परीक्षा रद्द कर दी जाएगी? पहले आपको दोस्तों बताना चाहेंगे, हमारे देश में 24 घंटे के अंदर 2,67,345 कोरोना के नए मामले सामने आए, 430 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जी हाँ दोस्तों, भैया कोरोना के केसेस बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यूपी टेट का जो हमारा एडमिट कार्ड कुछ ऐसा शो करेगा और आप दोस्तों देख सकते हैं परीक्षा की तिथि 23/1/2022 यहाँ पर दी गई है। उसके बाद देखिए दोस्तों, स्मार्टफोन की एंट्री हो गई, बेदाग TET कराना चुनौती है। पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। क्या दोस्तों इस बार फिर से यूपी टेट का पेपर लीक हो सकता है? ठीक है, उसके बाद एक और बड़ी अपडेट, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परिणाम लापता। जी दोस्तों, क्या कहने का क्या है, मतलब कि निदेशालय कहता है कि परिणाम नहीं मिला, PNP ने थमाया डिस्पैच नंबर। तो दोस्त ये बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। तो दोस्तों आज की एक एक करके सारी अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। और देखिए एक और बड़ी अपडेट आपके सामने रख दें, उत्तर प्रदेश से बड़ी अपडेट आ रही है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में 16 जनवरी तक 8वीं के स्कूल बंद हैं। आगे भी दोस्तों ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के आदेश जल्द आ सकते हैं। तो दोस्तों जो बच्चे DLED 2021 बैच में एडमिशन लिए हैं, तो गाइस अब आप लोग का कॉलेज हो सकता है कि लंबे समय के लिए बंद हो सकता है और अब आप लोग की जो आगे की क्लासेस होगी वो ऑनलाइन माध्यम से ही होगी। ठीक है, तो DLED 2021 बैच के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। काफ़ी बच्चे चाहते थे कि भैया कॉलेज जाने से हमें छुट्टी मिले, तो गाइस अब आप लोगों की जो क्लासेस है वो ऑनलाइन हो सकती है। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। कुछ और बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखते हैं। पहले देखिए कोरोना का असर, केवल परीक्षा ही नहीं, दीक्षांतों के शोधकार भी दोस्तों टल जाएंगे। शैक्षिक संस्थानों में भी शोध कार्यों पर ब्रेक लग रहा है। लेखपाल भर्ती परीक्षा तिथि व PET कटाप घोषित नहीं करने से रोष है। जी हाँ दोस्तों, बताइए अभी तक इन्होंने PET को भैया क्लियर नहीं किया कि PET में कितना नंबर पाने वाला बच्चा पास है। मतलब अगर आप PET में 1 नंबर पाएँ तो आप पास है कि फेल? दोस्तों अभी तक आपको ये बात नहीं पता। या जो बच्चे 50 नंबर पाए उनको भी नहीं पता भैया हम पास हो रहे हैं फेल हो रहे हैं। उसके बाद यूपी पुलिस SI भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के इंतजार में अभ्यर्थी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बच्चे खाली इंतजार ही कर रहे हैं, ना तो नौकरी मिल रही है ना तो कुछ हो रहा है। बाकी दोस्तों चुनाव अब आ चुका है, जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आपके सामने लाते रहेंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों तृतीय सेमेस्टर प्रमोट की जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो अपडेट हम आप तक लाएंगे। बाकी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर बैक पेपर परीक्षा की डेट शीट 2022 ये भी दोस्तों हम आपके सामने रखते रहेंगे। फिलहाल आपको बताते कमेंट बॉक्स में दोस्तों हमने आप लोगों के लिए लिंक दे दिया है, जहाँ से आप लोग बैक पेपर की जो डेट शीट उसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्कूटनी रिजल्ट का भी लिंक दिया गया। बाकी अगर अभी तक आपसे यूपी टेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है तो इसके लिए भी दोस्तों हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया। देखिए परीक्षा के लिए समय कम है। अब आपके मन में जो सवाल था कि क्या पेपर को निरस्त किया जा सकता है या नहीं, तो गाइस आपको बता दें भैया जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं ना, तो इस हालात में वैसे पेपर होना नहीं चाहिए, लेकिन अब लग रहा है कि पेपर हो जाएगा। इसलिए आप लोग परीक्षा की तैयारी भैया 100% करके रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सोचिए जब हमारे देश में एक एक दिन में 2,67,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, तो अब क्या दोस्तों गारंटी रहेगी कि जो परीक्षा कक्ष में जो बच्चे बैठेंगे उनको कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ है? और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ पर या तो PNP को एक नियम लगाना चाहिए, ठीक है, जो बच्चे यूपी टेट का पेपर देने जाए उनको कोरोना टेस्ट कराना जरूरी कर दें या कुछ भी। तो गाइस देखिए सेफ्टी भी जरूरी है। बाकी देखिए नई शिक्षक भर्ती आ नहीं रही है, मेन मुद्दा दोस्तों हमारा यही है। जब सुपर टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया उन्होंने शुरू ही नहीं की, जो 97,000 पदों पर दोस्तों हमने मांग की थी कि 97,000 पदों पर वैकेंसी आनी चाहिए, जब दोस्तों सरकार ने वैकेंसी ही नहीं निकाली तो कोई मतलब नहीं है। यूपी टेट का पेपर अगर 1 महीने बाद भी होगा तब भी दोस्तों चलेगा। ठीक है, बाकी जितना लेट होगा उतनी अच्छी आपकी तैयारी हो सकती है। फिलहाल अब यूपी टेट का पेपर 23 को भी हो जाएगा तब भी बढ़िया है, उसके बाद आप सुपर टेट की तैयारी में लग सकते हैं। लेकिन दोस्तों नई शिक्षक भर्ती के अभी कोई आसार फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। अब 10 मार्च को चुनाव का नतीजा आएगा। ठीक है, 10 मार्च का दोस्तों सभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। बाकी अभी आपने देखा होगा कि प्रयागराज से एक बड़ी अपडेट आई थी कि 600 छात्रों पर, ठीक है,
केस हो गया कि जो बच्चे ताली थाली बजा रहे थे, ठीक है, जो आंदोलन हुआ था रोजगार को लेकर, तो आप सोचिए कि वहाँ पर कोरोना बढ़ जा रहा था जब 600 बच्चे आए थे। अब सोचिए कि 20 लाख से ज़्यादा बच्चे पेपर में सम्मिलित होंगे, तब क्या होगा? ठीक है, क्या तैयारी है दोस्तों सरकार की, ये भी इनको क्लियर करना चाहिए। क्योंकि आपको बता दें कि यूएसए में 24 घंटे के अंदर 8 लाख से ज़्यादा मामले, और फ्रांस में 3 लाख से ज़्यादा मामले, इटली में 1,86,000, स्पेन में 1,62,000, तो कुल मिला के दोस्तों लगभग हर एक देश में कोरोना के मामले बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस समय दोस्तों सावधानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, छोटी सी लापरवाही दोस्तों लेने के देने पड़ सकते हैं। अब इस अपडेट को जरा देखते हैं। देखिए, आप लोग भी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे होंगे, क्या अपडेट क्या है? अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 परीक्षा का परिणाम आने के बाद प्रक्रिया पहली बन गई है। परिणाम आए 2 महीने बीत गए, लेकिन चयन प्रक्रिया बातों दावों के आगे नहीं बढ़ सकी। पिछले दिनों अभ्यर्थी भर्ती विज्ञप्ति जानकारी करने के लिए शिक्षा निदेशालय पहुंचे तो पता चला कि सफल अभ्यर्थियों का परिणाम वहां तक पहुंचा ही नहीं है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी PNP ने जो डिस्पैच नंबर दिया उसमें परिणाम की सूची नहीं होने के दावा अभ्यर्थियों ने किया। ऐसे में अभ्यर्थी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर परिणाम कहाँ पर अटका हुआ है। तो दोस्तों ये पूरी अपडेट है। देखिए दोस्तों आगे क्या अपडेट है कि PNP ने यह भर्ती परीक्षा 17 अक्टूबर को कराई थी और जिसका दोस्तों रिजल्ट या परिणाम 15 नवंबर को आया। प्रधानाध्यापक के दोस्तों 390 पद थे और सहायक अध्यापक के 1504 पदों के लिए 46,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी सफल हुए। ये दोस्तों अभ्यर्थी रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती विज्ञप्ति के माध्यम से मेरिट तैयार कर चयन किए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी का कहना है कि परीक्षा परिणाम को लेकर तस्वीर साफ नहीं की जा रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने दावा किया था कि 30 दिसंबर को चयन प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन दोस्तों अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो कुल मिला के दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया कि सुपर टेट का मान लेते हैं, फॉर्म भी आ गया, पेपर भी हो गया, रिजल्ट भी हो गया, उसके बाद आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। तो गाइस यही सब देख सकते हैं आप लोग कि भैया नौकरी इतनी आसानी से उत्तर प्रदेश में मिलनी नहीं है। तो आप लोग जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे DLED बैक पेपर की, या दोस्तों आप नए बच्चे हो तो भैया सेमेस्टर एग्जाम की, तो आपको तैयारी अच्छी करनी है। ठीक है, गलती के दोस्तों कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, छोटी सी लापरवाही और दोस्तों आपके रिजल्ट में फेल लिख कर आ जाएगा। तो गाइस तैयारी अच्छी खासी होनी चाहिए। और देखें जिन बच्चों के सेकेंड सेमेस्टर में बैक है, तो इस बार दोस्तों और आप लोग इस बार बेहतर तरीके से पेपर दीजिएगा, क्योंकि 3 बार बैक नहीं लगनी चाहिए। 2 बार आपकी ऑलरेडी लग चुकी है, 3री बार दोस्तों नहीं लगनी चाहिए। तो परीक्षा की तैयारी दोस्तों आपकी अच्छी खाती होनी चाहिए। बाकी जो भी अपडेट आएगी, देखिए अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, परेशान नहीं होना है। और यूपी टेट के दोस्तों की अपडेट है, जरा देखिए 28 नवंबर को पेपर लीक के कारण निरस्त होने के बाद दोबारा 23 जनवरी को होने जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट को बेदाग कराना परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों कि तमाम केंद्रों पर स्मार्टफोन पर रोक नहीं लगा पा रही है। तो दोस्त ये बड़ी अपडेट है, देखने वाली बात होगी इस बार पेपर आउट होता है नहीं होता है। जो भी देखिए अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, बाकी आप दोस्तों देख सकते हैं UPSI भर्ती परीक्षा का रिजल्ट इंतजार कर रहे हैं छात्र, और लेखपाल भर्ती का दोस्तों भैया कुछ आता ही पता नहीं ठीक तरीके से। सबसे बड़ी बात है कि छात्रों के साथ दोस्तों धोखा किया जा रहा है। अभी तक बताइए इन्होंने पेट कटाव को क्लियर नहीं किया, जो कि दोस्तों बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बाकी जो भी देखिए अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल ये मान के चलिए 2021 बैच कि अब आगे हो सकता है कि आप लोग के ऑनलाइन क्लासेस चलती रहे, और जो बच्चे 2019 बैच 18 बैच के हैं तृतीय सेमेस्टर प्रमोट। तो गाइस जब आपने थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया तो सिंपल सी बात है कि आपका थर्ड का ही पेपर होगा, लेकिन संघर्ष जारी है। फिलहाल आप लोग थर्ड सेमेस्टर की तैयारी अच्छे तरीके से करिएगा, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। देखिए एक बात और आपको बता दें, आपके मन में सवाल होगा कि यार हम कहीं लास्ट टाइम में प्रमोट कर दिए गए तो हमें समय नहीं मिल पाएगा। देखिए दोस्तों अगर आपको प्रमोट किया जाएगा तो पहले भैया आपसे प्रमोट वाला फॉर्म भराया जाता है, 1 हफ्ते का लगभग समय वहाँ मिलेगा। उसके बाद आपको प्रमोट कर देंगे तो भैया 4 सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म भी तो आपसे भराया जाएगा, तो वहाँ पर भी आपको समय मिलेगा। इसलिए समय आपको मिलेगा, परेशान मत होइए। इसीलिए अभी फिलहाल अगर आपकी बैक है तो थर्ड सेमेस्टर की तैयारी अच्छे तरीके से करिए। बाकी अगर आप चतुर्थ सेमेस्टर में बैक लग गई थी उसकी तैयारी करिए। बैक परीक्षा का फॉर्म अगर अभी तक नहीं भरा है तो जल्द से जल्द भर दीजिएगा, नहीं तो समय निकल जाएगा गाइस, फिर आप बाद में परेशान होंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों यूपी टेट का एडमिट कार्ड हो चाहे DLED का रिजल्ट, सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्द से जल्द डाउनलोड कर लीजिए।
फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।